हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया सिंह। तो हमारा लेडीज़ कुर्ता विथ पटियाला का स्केच बनकर रेडी हो गया है। अब हम आपको बताएंगे कि मैनुपुलेशन करके किस तरह से इस नेक डिज़ाइन और ये पटियाला सलवार का पैटर्न किस तरह से रेडी करेंगे, और इसके बाद हम इसका सैंपल बना सकते हैं आसानी से पैटर्न को रख के कट करके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बनाने के लिए हमको चाहिए पैटर्न, ठीक है? हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये वर्क कंप्लीट करना है। तो देखिए, इसके लिए हमने लिया है, ये है हमारा फ्रंट पार्ट का वेस्ट डार्ट का पैटर्न, ठीक है? और ये हमारा बैक का बॉडीज ब्लॉक का, लेडीज बॉडीज ब्लॉक का बैक का पैटर्न है, और ये हमने लिया है 1/6 सेंटीमीटर की तरफ से कार्ड स्केल से। इस कार्ड स्केल से 1/6 सेंटीमीटर की तरफ से हमने ये बनाया है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे हमको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही सिंपल सा इसको रख के यहाँ पे ट्रेस कर देना, और इस तरह बैक को भी ट्रेस कर देना। यहाँ पे फोल्ड दिखा देना, यहाँ पे फोल्ड दिखा देना, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप पे जितना भी हमको नेक रखना है फ्रंट का, उतना हम यहाँ पे रख सकते हैं, और ये सीजर शो कर सकते हैं। और ये हमको यहाँ से लेना है शोल्डर, ये आर्म होल के मिड पॉइंट से निशान लगाना है, और ये हमारा वेस्ट डार्ट पॉइंट से, और इसको हमको इस तरह से मिला देना है, और ये हमको स्ट्रेट लेना है सीधा। तो इस तरह से यहाँ से ये हमारा पैटर्न ब्राउन शीट पे इसको हमको बना के ट्रेस करके इस तरह से कट करके निकाल लेना है इस डिजाइन को, और इसको फिर ये डार्ट को क्लोज कर देना है, ठीक? इसी तरह से बैक में भी कर लेना है, बैक में हम जितना भी चाहें ये ले सकते हैं। और इस डार्ट को यहाँ से क्लोज करने के लिए यहाँ से हमको कट के निकालना है, कट करके, और इस डार्ट को भी क्लोज कर देना है, ठीक? तो अब देखिए, थर्ड स्टेप पे क्या करना है हमको, ये हम जो हमने उसमें ब्राउन शीट पे ये जो निकाला था, वहाँ ब्राउन शीट पे कट करके हमको जो निकालना है, जो हमने सेकेंड स्टेप पे किया था, उसी को हमको थर्ड स्टेप पे ला कर ट्रेस करना है, और यहाँ पे ये भी ट्रेस करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा डार्ट था, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हमें जितना भी कुर्ते का लेंथ रखना है, इतना हम रख सकते हैं सेंटीमीटर से, यहाँ पे उसी स्केल से रख सकते हैं यहाँ पे जितना भी हमको रखना है। इसी तरह से बैक में भी कर लेना है। अब देखिए, फोर स्टेप तो ये हमारा है, फोर स्टेप तो ये हमारा। अब उसी पैटर्न को रख के, ब्राउन शीट के पैटर्न को रख के, हमको इसको गमिंग शीट पे रख के ट्रेस करना है, और उसके बाद इस तरह से फाइनल स्टेप में हमको यहाँ पे चिपका देना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो हम इसको आसानी से इसको कपड़े पे रख के कटिंग करके और इसका सैंपल रेडी कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब हम बताने जा रहे हैं पटियाला का मैनिपुलेशन किस तरह से करना है। तो ये भी हमारा 1/6 सेंटीमीटर से बना हुआ है पैटर्न। तो ये है हमारा फ्रंट का पैटर्न, ये है हमारा बैक का पैटर्न। तो इस तरह से हमको ट्रेस कर देना है बैक और फ्रंट। तो फर्स्ट स्टेप में हमको इसी तरह से करना है, सिंपल सा ट्रेस करना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद हमारा ये आता है सेकेंड स्टेप। तो इस सेकेंड स्टेप पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये जहाँ से हमको निफा रखना है, जितना भी आपको जितने लेंथ का रखना हो, यहाँ से इसको कट करके निकाल देना है। इसको भी निकाल देना है, और ये भी बैक का फ्रंट का दोनों का। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें ये जो हमारी सीधी लाइन थी, इसमें भी थी, यहाँ पे हमें सीजर शो करना है, यहाँ से इसको कट के निकाल देना है। और इसके बाद यहाँ से हमें 2 सेंटीमीटर इधर लेना है, और इधर से भी 2 सेंटीमीटर इसमें भी लेना है। दोनों में इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर लेके, और यहाँ पे सीजर शो करनी है, और ये कट करके निकाल देना है, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे भी ये सीजर शो करनी है, और ये कट के निकल जाएगा। इसके बाद ये सारा काम हमको ब्राउन शीट पे ही पहले कर लेना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कि ब्राउन शीट बर्बाद ना हो, इसीलिए, सॉरी, गमिंग शीट में बाद में ट्रेस करेंगे, पहले हम इसको ब्राउन शीट पे ही कट करके निकाल लेंगे, ताकि हमारा गमिंग शीट सेफ रहे। तो देखिए, इसको थर्ड स्टेप पे क्या करना है, जो हमने कटिंग करके निकाला है, उसको यहाँ से इस तरह से फिर से ट्रेस कर देना है। सब इस तरह से ट्रेस करना है सारे पार्ट को। इसके बाद देखिए, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे हमको फिर से इस तरह से जो हमने यहाँ पे एक पार्ट निकाला था, उसको हमको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करना है इस तरह से। तो इसको फिर से यहाँ पे सीजर शो करनी है, और ये भी फ्रंट और बैक दोनों में करना है, दोनों इस तरह से निकाल लेना है, और यहाँ पे इसको ज्वाइंट दिखा देना है, जो हमने यहाँ पे ये ज्वाइंट लिखा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा, तो फोर्थ स्टेप में ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। तो फ्रेंड, जितना भी कटिंग का काम है, ये सारा हमको पहले ब्राउन शीट पे कर लेना है, ताकि ये हमारा एक सैम्पल पैटर्न हमको मिले। अब देखिए फ्रेंड्स, फोर स्टेप में क्या करना है, ये हमको जो हमने ब्राउन शीट पे पैटर्न निकाला है काट के, उसको हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे ट्रेस किया, और यहाँ पे इधर रखा, और ये हमारा है, इतने का हमको बॉक्स बनाना है। 110 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमको
ये निशान लगा के, और यहाँ पे जितनी भी लेंथ होगी इतना रख के यहाँ पे हमको ये निशान लगाना, और यहाँ पे क्रॉच से लेके और यहाँ पे ये बॉटम से निशान लगा देना है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों हमको रेडी कर लेना है। इसके भी 2 पार्ट कटेंगे, ये कलियाँ हैं हमारी, इसका भी 2 पार्ट कटेगा। तो ये हमारी कलियाँ बन के रेडी। तो अब देखिए हमारा ये 5 स्टेप में बनकर तैयार हो गया है। तो इसका भी इस तरह से हम फिर पहले हम ब्राउन शीट पे काटेंगे, इसके बाद हम इसको गमिंग शीट पे काट करके और यहाँ पे इस तरह से हमने इसको चिपकाया है। तो इसी तरह से ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो हम इस पैटर्न को रख करके कपड़े पे कट करके इसका सैंपल रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा CITS का प्रैक्टिकल फाइल का वर्क है, ये जो हमने आपको बताया।